दोस्तों नमस्कार, मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी परिवार तिवारी सर ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु वाला चल रहा था। दो पार्ट्स इसके हो चुके हैं। एक तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में, मतलब अधातुओं के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप में से जो भी इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेगा, समझ जाना कि आपके इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अधातुओं के बारे में। कुछ बातें जो मैं पहले बता चुका हूँ उनको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का, कि आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो अधातु कहलाते हैं या नॉन मेटल कहलाते हैं। अधातुओं की कुल संख्या होती है 22 और आवर्त सारणी में दाईं ओर रखी गई है। ठीक है, मैंने बोला ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या है 22 और आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए हैं सारे के सारे अधातु। ठीक है, जो 22 हैं, 22 में से 10 हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जितनी भी अधातुएं होती हैं वो या तो ठोस अवस्था में होती हैं या गैसीय अवस्था में होती हैं। तो आप बोलोगे 10 ठोस अवस्था में है, 11 गैस अवस्था में है और एक जो अधातु होती है वो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोमीन। ये भी याद रखना आप, एक किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में अधातु, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। और एक धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा या मरकरी। तो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या है, कौन सी है, पारा। और अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, Br। अब हम पढ़ने वाले हैं अधातुओं के भौतिक गुण। तो अधातुओं का भौतिक गुण में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अधातुएं होती हैं वो सामान्य रूप से जल से कोई क्रिया नहीं करती। अधातुएं, कोई भी अधातु जल से क्रिया नहीं करती, है ना। तो अधातुएं जल से क्रिया तो नहीं करती, वायु से भी क्रिया नहीं करती, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो क्या करती है कि वायु से क्रिया कर लेती है, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। उसका नाम आपको पता होगा, सफ़ेद फास्फोरस। तो आप बोलोगे एक ऐसी अधातु जिसको वायु में स्वतंत्र नहीं रख सकते क्योंकि वो वायु से क्रिया कर लेती है, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। अधातुएं जल से भी क्रिया नहीं करती और वायु से भी नहीं करती, लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम है सफ़ेद फास्फोरस। तो आप बोलोगे कि सफ़ेद फास्फोरस या फास्फोरस एकमात्र ऐसी अधातु है जो क्या करती है, ये करती है वायु से क्रिया कर लेती है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, इसको जल में रखा जाता है। और एक धातु ऐसी होती है, एक धातु आपको मालूम होगा जिसका नाम है सोडियम। तो धातु भी वायु से क्रिया कर लेती है। एक धातु जिसका नाम याद रखना कि सोडियम एक धातु है जो क्या है, वायु से क्रिया कर लेती है, इसलिए उसको भी स्वतंत्र नहीं रख सकते। तो उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि अधातुएं जो धातुएं होती हैं वो जल से भी क्रिया कर लेती हैं। तो धातुओं को जल में नहीं रख सकते, लेकिन अधातुएं जल से क्रिया नहीं कर पाती हैं तो अधातुओं को हम जल में रख सकते हैं। तो ऐसी धातुएं, अधातुएं जो वायु से क्रिया कर लेती हैं तो उनको हम स्वतंत्र नहीं रख सकते, इसलिए उनको किसी न किसी लिक्विड में रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि जो अधातु है सफ़ेद फास्फोरस, ये वायु से क्रिया कर लेती है तो स्वतंत्र ना रखे, इसको जल में रखते हैं। और एक धातु है जिसका नाम है सोडियम, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो ये धातु है, है ना, जिसका नाम है, ये धातु है जिसका नाम है सोडियम, क्योंकि ये जल से भी क्रिया कर लेती है इसलिए इसको जल में रख नहीं सकते। तो याद रखना, सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और सफ़ेद फास्फोरस एक अधातु है जिसको जल में रखा जाता है, ये याद रखना। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है भौतिक गुण में, कि जितनी भी धातुएं होती हैं धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। तो आप बोलोगे सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जितने भी धातुएं हैं सभी धातुओं के ऑक्साइड कैसे रहेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। तो धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं, और जो भी ऑक्साइड बनाएंगी तो आप बोलोगे वो किस प्रकृति के रहेंगे, तो आप बोलोगे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जितनी अधातुएं होती हैं, अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय या उदासीन प्रकृति के, है ना। तो आप बोलोगे जो ऑक्साइड बनाएंगी अधातुएं, जो ऑक्साइड बनाती हैं वो कैसे होंगे, या तो वो रहेंगे अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड
या रहेंगे उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड, तो ये भी आपको याद रखना है। और कैसे याद करोगे इसको आप समझ सकते हो, देखो आ से क्या लिखा है अधातु और आ से लिखा है अम्लीय, तो आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए कि अधातुएं अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, अधातुओं में उदासीन भी ऑक्साइड होते हैं कुछ कुछ, तो ये भी याद रख लेना। तो हम क्या बोलेंगे, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके हमेशा क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय एवं उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जितनी भी अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, या फिर हम बोलेंगे कि बैड कंडक्टर होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट कैसी है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो किसकी, अगर हम बात करें हीट, ऊष्मा या इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं विद्युत, इसकी गुड कंडक्टर होती है, या क्या बोलेंगे हम, सुचालक होती हैं। सभी अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं ऊष्मा और विद्युत की, लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु ग्रेफाइट जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होती है। तो ये आपको याद रखना है इसके भौतिक गुण। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धातु को जल में रखा जाता है, तो सफेद फास्फोरस को, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम को, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं या उदासीन भी हो सकते हैं। कुछ अधातुओं के बारे में एक एक करके देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें लिखते जाना है और याद करते जाना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जब एग्जाम में आती हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने कब पढ़ी हैं। आप अभी पढ़ लोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि बाद में भूल जाओगे। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ सबका, कि जैसे हाइड्रोजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, अमोनिया की किसने की, क्लोरीन की किसने की, तो एक एक करके आपको ये भी एक चार्ट यहाँ बनवा देता हूँ। कभी अगर आता है कि बताइए क्लोरीन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं Cl2 लिख देता हूँ मैं, क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन की खोज किसने की, तो आप बोलोगे क्लोरीन गैस जो है, पूरा लिख देता हूँ, क्लोरीन गैस की खोज की सीले ने, ठीक है, क्लोरीन गैस की खोज किसने की, सीले ने की। अगर बोला जाता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन हा से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे हेनरी कैवेंडिश, तो आपको याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो आप बोलोगे हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, ये भी याद हो जाएगा आपको। इसके बाद अगर नाइट्रोजन आता है कि बताइए नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो यहां पर नाइट्रोजन की खोज आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है इसकी खोज की डेनियल रदरफोर्ड ने, तो क्या बोलोगे, नाइट्रोजन की खोज की डेनियल रदरफोर्ड। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन भी आती है, ऑक्सीजन के बाद अमोनिया आती है, याद रखना। अमोनिया की खोज किसने की, आप लोगों को मालूम होगा, जे प्रिस्टेले, है ना, क्या बोलेंगे, अमोनिया की खोज की जे प्रिस्टेले। और ऑक्सीजन की खोज किसने की, यहाँ पर इसको आप लोगों को बताना है, है ना, ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो इसमें आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, एक तो क्रिस्टेले और दूसरे सीले, ये दो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये पांच जो हैं जो आते रहते हैं बार बार, इनके ऊपर कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत अच्छे से इनको याद करना है कि कभी क्लोरीन की खोज सीले ने, लेकिन ऑक्सीजन की खोज सीले ने की या क्रिस्टेले की, ये ऑप्शन आप लोगों को सही बताना है, क्योंकि किसी बुक में सीले लिखा हुआ है, किसी में क्रिस्टेले लिखा हुआ है, जो मुझे लगता है वो ऑप्शन सही सीले लग रहा है, लेकिन आप लोग बताना, क्योंकि एक नहीं दो बुक में मैंने देखा इसको सही बताने के लिए कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन अभी मुझे भी कन्फर्म नहीं मिल पा रहा है, कहीं कुछ लिखा रहता है नेट पर देखोगे, तो आप लोग कमेंट करके देखना और बताना कमेंट करके जिसको बिल्कुल कन्फर्म मालूम हो। तो इसको याद करना है, इस चार्ट को आपको पूरा, ठीक है। हाइड्रोजन में आता है क्रिस्टले या सीले, इनमें से कोई एक रहेगा, सीले मैं अभी रेफर कर रहा हूँ आप लोगों को। अब इसके बाद अमोनिया में जे प्रिस्टले, यहाँ देखो ये अलग है, प्रिस्टले ये क्रिस्टले अलग अलग हैं, तो अमोनिया जे प्रिस्टले, नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड, हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश और क्लोरीन सीले, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अब हम सारी जो अधातुएं हैं एक एक करके पढ़ेंगे, उनकी सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अभी इनमें से सबसे पहली अधातु जिसका नाम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अधातु है। तो हम बात किसकी करने वाले हैं, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बारे में कुछ क्वेश्चन तो मैं अभी बता चुका हूँ,
कुछ आपको मालूम भी होगी। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है ना। तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। तो आप बोलोगे कि इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से। तो 1H1 में अब हम बोलेंगे इसके 1H1 में इसमें एकमात्र अब ऐसा तत्व है जिसमें नाइट्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। आपको मालूम होगा कि जो नाभिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी तत्व का जो नाभिक होगा उसमें क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये तो आपको मालूम होगा। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1H1 सिंबल होता है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे 1-1 जीरो आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? जीरो। तो एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो आप इसको याद रखना, भविष्य का ईंधन कहते हैं और इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ये एकमात्र इकलौता तत्व है इसलिए इंपॉर्टेंट है ऐसा, जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके बाद थर्ड हम इसकी खोज की बात कर लेते हैं, वैसे कर चुके हैं यहाँ पर। तो इसकी खोज हुई है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। तो किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने, है ना। तो याद रख लेना इसको। ठीक है, याद रखना हेनरी कैवेंडिश, ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, वहां मत जाना कि क्या लिखा है, ये सही लिख लेना इसको, ठीक है। 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी किसकी? हाइड्रोजन की। क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसके बाद। अब हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप, है ना। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। तो अगर हम इसकी समस्थानिक की बात करते हैं तो आप बोलोगे इसके समस्थानिक होते हैं तीन। कौन कौन से हैं समस्थानिक? तो आप बोलोगे एक होता है 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा है 1H3। 1H1, 1H2, 1H3। अब देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो क्या क्या नाम है इसके? इनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो प्रतीक के रूप में आप बोलोगे 1H1, 1H2, 1H3 होते हैं। अगर वैसे बताओगे आप तो क्या बोलोगे? आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके नाम क्या है, तो ऐसे भी बताना पड़ेगा आपको कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन की तीन समस्थानिक होते हैं, इनको याद रखना। ठीक है, अब हम बोलेंगे इनके और क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे 1H1 लिख दिया, तो इसका मतलब है इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो आप बोलोगे ये नीचे वाली संख्या होती है परमाणु क्रमांक। परमाणु भार कितना होगा? तो आप बोलोगे ऊपर वाली संख्या है वो है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं इसको। और अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो नीचे वाली संख्या दर्शाता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? इनका डिफरेंस होती है, ऊपर में से नीचे की घटाना पड़ता है, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, इनका अंतर निकालोगे वो होती है न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर मैं बोलूँ बताओ प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, इनके पांच पॉइंट आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो ये बताओ प्रोटियम में क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नीचे की संख्या होती है। तो आप बोलोगे चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे प्रोटॉन बोलो, इसमें भी एक है क्योंकि नीचे एक है 1H1। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसकी भी बात कर लूँ, इसमें भी कितनी है, बन है नीचे वाली संख्या 1H1, 1H2। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या कितनी है, बन। तो तीनों में बन बन हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितनी है, तो आप बोलोगे इसमें न्यूट्रॉन होंगे जीरो, क्योंकि 1-1 कितना हो जाएगा, जीरो। इसमें होगा 1 न्यूट्रॉन और इसमें होगा 2, 3-1 कितना हो जाएगा, 2। तो आप बोलोगे 0, 1, 2। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटेरियम कहते हैं, इसमें 0 न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटीरियम में 1 होता है, ट्राइटियम में 2 होते हैं, याद रखना इनको। इसके बाद और क्या क्या बोलना है आपको, याद रखना है कि इनका जो परमाणु क्रमांक दिख रहा होगा इसका एक है, इसका भी परमाणु क्रमांक एक है, इसका भी है, इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक है, इसकी दो है, इसकी तीन है, याद रखना। भारी जल किसे कहते हैं, तो जो ड्यूटीरियम होता है इसको भारी जल भी कहते हैं, है ना। तो ये भी याद रखना आप, ठीक है।
तो भारी जल डी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो डी टी ओ हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मंदक के रूप में यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो ड्यूटीरियम है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 1H2 को हम ड्यूटीरियम बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है 1H2 जो है उसका मतलब है ड्यूटीरियम, जिसको हम डी से बोलते हैं। तो D2O इसको कहा जाता है भारी जल। जैसे H2O कैसा होता है, एजल होता है H2O। अब हाइड्रोजन H, 1H1 को हाइड्रोजन बोलते हैं H, लेकिन जो 1H2 है उसको D बोलते हैं, मतलब ड्यूटीरियम है। तो भारी जल का मतलब है D2O, ये ड्यूटीरियम से बना हुआ है, हाइड्रोजन के समस्थानिक से, और H2O में हाइड्रोजन आता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो ड्यूटीरियम का प्रयोग होता है भारी जल को बनाने में, और भारी जल का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सामने दिख रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और आ भी सकते हैं, तो बिल्कुल ये याद रखना है आपको। पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और अमोनिया, इनकी खोजकर्ता कौन है। इसके अलावा हाइड्रोजन के बारे में याद रखना है कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है। 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, मतलब 1H1, 1H2, 1H3। और जो 1H2 होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या 1-1 होती है। न्यूट्रॉन पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, ये रहते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। 3 समस्थानिक खोज किसने की, कब की, तो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी, 1766 में। खोज पता है आपको, भविष्य का ईंधन पता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है इनमें, हाइड्रोजन में नहीं होता, तो एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है जिसके नाभिक में, तो इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, किसमें, 1H1 में, जो मुख्य एलिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, इसके समस्थानिक में होता है, ठीक है। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन के बाद हमें कार्बन पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना अभी याद रख लेना, जो हाइड्रोजन है वो किस ब्लॉक में आता है, पता होगा आपको, हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किसमें, SPDF 4 ब्लॉक होते हैं, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और जो हम पढ़ने वाले हैं कार्बन, तो कार्बन किस ब्लॉक में आता है, कार्बन आता है पी ब्लॉक, तो कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो याद रखना इसको। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन, और कार्बन के बारे में तो आप कुछ कुछ जानते होंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। कार्बन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से, और 6C12 होता है इसका, है ना, जो 6C12, यहाँ परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। सी इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कार्बन का। इसमें अगर हम बात करें जो कार्बन है, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। 3 इसके समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक कितने, 3 समस्थानिक है, कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे 6C12, 6C13 और 6C14, ये 3 इसके समस्थानिक है, 6C12, 6C13, 6C14, ठीक है ना। किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, वो आप देख के बता सकते हो। तो पहला इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, समस्थानिक पूछा जाए कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप बोलोगे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और गैस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कि ठोस CO2 जो होती है, जिसको हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है ना। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, और गैस कार्बन डाइऑक्साइड को, देखो यहाँ पर जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्वेश्चन आता है, तो आप बोलोगे आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग होता है, और गैस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हो जाता है कोल्ड ड्रिंक बनाने में। तो ये दोनों याद रखना कि एक क्यों पढ़ रहे हैं इनमें, क्योंकि कार्बन से बने हुए हैं, तो ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है, इसका प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, और जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रयोग होता है कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब कार्बन के कुछ अपर रूप हैं, आपने पढ़ा होगा कार्बन के अपर रूप में हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, जो अभी तक मैंने बताई हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि हीरा और ग्रेफाइट, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए, तो क्या अंतर है हीरे और ग्रेफाइट में, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इनको देखते हैं हम हीरा, ग्रेफाइट के बारे में और कोयले के बारे में, ठीक है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, देखो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ सारी चीज़ें, अगर आप बोलोगे तो मैं जल्दी जल्दी करके कंप्लीट करा देता, लेकिन ये टॉपिक में अभी एक मतलब अधातुओं का एक पार्ट और बनेगा, ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो हम कार्बन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन में क्या क्या देखने हैं, इतना तो आपने पॉइंट समझ लिया होगा कि क्या कैसे इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, जिसका प्रयोग है ना आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, और जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है। 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14, और इस प्रकार को आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट है कार्बन।
अब हमें देखना है कि बताइए कार्बन के अपरूप में आपको बस पहले तो इनमें अंतर बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो हीरा और ग्रेफाइट की हम बात करते हैं, एक तरफ लिख देता हूँ हीरा, दूसरी तरफ ग्रेफाइट। तो बताइए जो हीरा है और ग्रेफाइट है, इनमें अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हीरा है और ग्रेफाइट, इनमें एक बात बताओ कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो आप बोलोगे हीरा जो है उसकी संरचना होती है सम चतुष्फलकीय है और ग्रेफाइट की होती है षटकोणीय। तो याद रखना कि हीरा की संरचना होती है सम चतुष्फलकीय। यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना, बिल्कुल लिखते जाना, चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट की होती है षटकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय और हीरा की होती है सम चतुष्फलकीय। इसके बाद अब बताओ जो हीरा होता है वो कैसा होगा, पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? पारदर्शी होता है हीरा, और हीरा पारदर्शी होता है तो क्या उसका कोई रंग होगा? नहीं हो, रंगहीन होता है। जबकि ग्रेफाइट में आपने देखा होगा, आपने पूछा था कि पेंसिल की जो निब होती है वो किसकी बनी होती है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है। क्या उसका कलर नहीं होता? बिल्कुल कलर होता है। तो कौन सा कलर होता है? तो आप बोलोगे उसका राख के समान कलर होता है। तो हम बोलेंगे जो हीरा होता है वो होता है पारदर्शी। दूसरा पॉइंट कैसा होगा हीरा? हीरा पारदर्शी होता है, तो इसको बिल्कुल याद रखना अच्छे से। और ग्रेफाइट कैसा होता है? वो होता है अपारदर्शी, ठीक है। इसके बाद हम बोलेंगे हीरा पारदर्शी होता है तो रंगहीन होता है, क्योंकि पारदर्शी आर पार देख पा रहे हो, क्योंकि कोई रंग नहीं होगा, तो पारदर्शी और रंगहीन होता है, ये रंगीन होता है। रंगीन होता है किस कलर में होता है रंगीन में? तो आप बोलोगे राख के रंग का, राख के रंग का, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे हीरा होता है, आपने सुना होगा सबसे कठोर होता है, तो हीरा में लिखोगे आप बहुत कठोर होता है हीरा, तो हीरा बहुत कठोर होता है। जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है बताओ जल्दी से? तो आप बोलोगे ग्रेफाइट मुलायम होता है, है ना। तो ग्रेफाइट में हम बोलेंगे मुलायम। अभी हम किससे तुलना कर रहे हैं, ये देखो हीरे से तुलना कर रहा है, तो इतना ज़्यादा कठोर के सामने मुलायम ही बोलेंगे, तो ये कठोर होता है, मुलायम होता है, रंगहीन रंगीन होता है, अपारदर्शी पारदर्शी और अपारदर्शी, सम चतुष्फलकीय और षटकोणीय होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है ग्रेफाइट, हीरा नहीं होता। तो यहाँ बोलेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का गुड कंडक्टर होता है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा, इन दोनों का क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक कौन होता है? यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो विद्युत और ऊष्मा का होता है सुचालक, मतलब गुड कंडक्टर होता है। जबकि हीरा होता है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। और ये यहाँ पर आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया चारों में, ठीक है। ये याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ग्रेफाइट और हीरा से कोई भी क्वेश्चन हो, इनकी संरचना के ऊपर हो, सम चतुष्फलकीय षटकोणीय, पारदर्शी अपारदर्शी, रंगहीन रंगीन, कठोर होता है मुलायम होता है, है ना। तो अगर आपने पढ़ लिया इतना, तो मेरे से पढ़ा हुआ है, आपने नोट्स बना लिए इन से टॉपिक से, जो मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन आपने कर लिए अच्छे से, तो याद रखना इनसे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। मैं पूरा दो चार बुकों में से देख के जो मुझे लगते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं उनको बहुत डिटेल में बताता हूँ, तो बस आप नोट्स बनाते चलो और अच्छे से लिखते जाओ, ठीक है। इसके बाद अब कोयले के बारे में, इसको लिख लिया होगा तो मैं कोयले के बारे में और बता देता हूँ, जिससे कार्बन पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कार्बन में आपको क्या याद रखना है कि कार्बन की भी चार किस्में होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको, कार्बनिक कोयला है ना, सॉरी कोयला की बात कर रहा हूँ मैं। तो कार्बन तो चल रहा है, उसके अपरूप हो गए दो, हीरा और ग्रेफाइट। अब हम बात करते हैं किसकी, कोयले की। तो कोयले में आपको क्या क्या याद रखना है, जो कोयला होता है इसके बारे में आपको इतना याद रखना है कि विश्व का जो 90% कोयला होता है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आपको मालूम है कि जो गोलार्ध होते हैं, ये ऊपर वाला होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का होता है दक्षिणी गोलार्ध। पूरा विश्व को दो गोलार्धों में बांटा है, उत्तरी और दक्षिणी, दो गोलार्ध होते हैं बस, ठीक है ना। तो कौन सा देश उत्तरी गोलार्ध में आता है, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में आता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो वो भूगोल वाला पार्ट है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का 90% जो कोयला है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। कितना? 90% कोयला। और कोयले की चार किस्में होती हैं, तो संपूर्ण जो कोयला पाया जाता है उसकी चार किस्में होती हैं, अलग अलग चार प्रकार का कोयला होता है। अब वो किस्मों में आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, सबसे बुरी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, भूरा कोयला कौन सा होता है, किस कोयले में कितनी परसेंट कार्बन पाया जाता है, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर बोला जाता है ये कोयला अच्छा है बुरा है। जितना ज़्यादा कार्बन पाया जाएगा जिस कोयले में उतना अच्छा बोलेंगे, जितना कम कार्बन होगा उतना बुरा बोलेंगे। तो कितनी किस्म होती हैं? चार, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट। तो आप बोलोगे कोयला चार प्रकार का होता है, एक होता है पीट, लिग्नाइट,
बिटुमिनस और एंथ्रोसाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, इसमें ये वाला सा बना देना, बिटुमिनस और एंथ्रोसाइट, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रोसाइट कोयला। इसमें कैसे याद करोगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा इसमें कार्बन कितना पाया जाता है, तो पीट कोयले में पाया जाता है 50 से 60%, 60 से 70% इसमें पाया जाता है किसमें, लिग्नाइट में। बिटुमिनस में पाया जाता है लगभग 80, आपको ऐसे याद करना है 50 से 60, 60 से 70, 7, 8 से 8, 5, 78 से 85%, और इसमें आपको याद रखना है लगभग 94 से लेकर 98% के बीच कार्बन, जो कोयले में कार्बन पाया जाता है। अब बताओ इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा होगा, तो पहला क्वेश्चन सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे अच्छी किस्म का या उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होगा, तो आप बोलोगे उच्च श्रेणी का कोयला बोलते हैं एंथ्रोसाइट को, ठीक है, उच्च श्रेणी का कोयला ये होगा। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होगा, तो आप बोलोगे निम्न श्रेणी का कोयला बोलते हैं इसको, कौन सा वाला, पीट कोयले को निम्न श्रेणी, एंथ्रोसाइट को उच्च श्रेणी। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए मुलायम कोयला किसे बोलते हैं, तो बिटुमिनस नाम का जो कोयला है इसको बोलते हैं मुलायम कोयला, तो कौन सा कोयला है, मुलायम। अगर आपसे बोला जाए बताइए कि भूरा कोयला किसे बोलते हैं, तो जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बोलोगे भूरा कोयला है लिग्नाइट। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग याद रखना कि उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी, मुलायम और भूरा, चारों के एक एक क्वेश्चन ये बने, और चारों के कोयले के परसेंटेज एक बना, कोयले के कितने किस्म होते हैं, चार किस्म होती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है, 90% पाया जाता है। अब इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट और हैं बताने के लिए, इसमें कोयले में नहीं, कोयले में तो सब कुछ हो गया, इस हम धातुओं की बात कर रहे हैं, सारी गैसें पढ़ेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, फास्फोरस में अलग अलग फास्फोरस होते हैं, लाल फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, तो जो माचिस की तीली में लगा रहता है, सफ़ेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस में क्या अंतर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस अधातुओं का एक पार्ट और आएगा, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको मेटालॉइड्स, जिसको हम बोलते हैं उपधातु, तो एक या दो पार्ट आएंगे जिससे आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम बताना कैसा लगा वीडियो।